आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैर खान की जेरे सदारत असम्बली का इजलास वासिक क्यूम अब्बासी ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का हलफ उठा लिया है। जी आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान की ज़ेरे सदारत असम्बली का इजलास हो रहा है और वासिक क्यूम अब्बासी ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का हल्फ भी उठा लिया है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम। जी बिल्कुल, वासिक क्यूम अब्बासी ने आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के अहदे का हल्फ उठा लिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक अब्बासी से जो है वो उनके अहदे का हल्फ लिया। इससे कबल 2 घंटे 10 मिनट की तखीर से स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास शुरू हुआ। इजलास के आगाज में स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान ने बताया कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए अपोजिशन की जाने से किसी ने भी या और किसी ने भी कागजात जमा नहीं करवाए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक अब्बासी जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जिसके बाद उन्हें बुलाया गया और वासिक अब्बासी ने जो है डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के अहदे का हल उठा लिया है। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम, आपने हमें तफसीलात से कहा कि आपको बताते चले कि स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान की ज़ेर सदारत असम्बली का इजलास जारी है। वासिक क्यूम अब्बासी ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का हलफ उठा लिया है।